पहली बात, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, यानी भविष्य का बजट है। भविष्य में भारत की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला ऐसा बही खाता जिसमें सारी एंट्रीज दर्ज है। इसमें अगले 25 वर्षों की यानी वर्ष 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तय की गई है, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का 2022 बजट पर अलग अलग न्यूज पत्रकारों की प्रतिक्रिया, जहां कुछ पत्रकार सच दिखाते हुए इस बजट के साफ साफ फायदे और नुकसान बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया पूरे जोर शोर से इस बजट को आम मनुष्य के गले में उतारने की कोशिश में जुट चुके हैं। इस साल के बजट में भारत पूरी दुनिया से आगे निकल गया है। जिस देश में क्रिप्टो करेंसीज में निवेश को बैन करने की तलवार लटक रही थी, वहां अब सरकार ने अपनी डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान कर दिया है। इससे वर्चुअल एसेट क्लास के निवेशकों के बीच उत्साह देखा जा रहा है कि कम से कम भारत में वर्चुअल करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा। आज इस बजट का सबसे हाई पॉइंट क्रिप्टो करेंसी बना हुआ है। ऊपर से अगर इसके फायदे अगर हम देखें तो डिजिटल करेंसी की हैंडलिंग कागज के नोट के मुकाबले कम खर्चीली है। ऊपर से इससे ट्रांजैक्शन में तेजी आएगी। इस करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी। सरकार के लिए निगरानी करना भी आसान होगा कि करेंसी का लेन देन कौन, कहां और कितना कर रहा है। बाजार में रुपए की लिक्विडिटी मैनेज करना भी आरबीआई के लिए आसान होगा, क्योंकि तेजी से उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। और सबसे ज्यादा सुविधा आम लोगों को होगी, जिन्हें नोट लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि बजट के विषय पर संदीप चौधरी ने क्या कहा। यह देखने वाली बात है, सम्मान निधि तो नहीं बढ़ाई गई है, तो यहां पर वो गुड इकोनॉमिक्स मेक्स फॉर बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स मेक्स फॉर बैड इकोनॉमिक्स, वो खेल भी कहीं प्ले में आता दिखा है क्या? किसानी की हम बात करेंगे, अलग अलग वर्गों की, हम आम आदमी की, आपकी मेरी बात करेंगे। हम करदाता हैं, 6 करोड़ करदाता, उनमें से 3 करोड़ के करीब दरअसल टैक्स देते हैं, बाकी तो 0 रिटर्न फाइल करते हैं। तो हमारी आमदनी घट रही थी, तो हमें उम्मीद थी कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे, या जिस दर पर कर लगाया जाता है वो कम कर दिया जाएगा। नहीं किया गया, उल्टे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाए, तो नहीं बढ़ाए उसी को राहत मान लिया जाए, क्या वो ये कह रही है? और जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं, ATC, ATD, आप कुछ इंश्योरेंस खरीदते हैं, आपने होम लोन ले रखा है, उसमें आपको 2 लाख रुपए तक कुछ छूट मिलती हैं, क्या वो छूट बढ़ाई जा सकती थी? वो छूट नहीं बढ़ी है। इसलिए कांग्रेस कह रही है, आरोप लगा रही है कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, युवा किसान गरीब के लिए कुछ नहीं, MSME सेक्टर के लिए कुछ नहीं, जबकि सरकार कह रही है MSME सेक्टर के लिए हम और पैसा देने को तैयार हैं और रियायतें देने को तैयार हैं। पर यह राजनीति है। पी चिदंबरम 9 बजट खुद पेश कर चुके हैं, वो कहते हैं यह तो अमीरों का बजट है, गरीबों के लिए कुछ नहीं, यह अमीरों का बजट है। इस क्लिप में हम देखेंगे कि ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बजट को गरीब और किसान विरोधी बजट बताया। आपने कहा आम आदमी के भले का ये बजट है, सरकार आफत में थी, 2 साल से कोरोना काल में हम जी रहे थे, जो बिल्कुल सच बोला आपने। तो सरकार तो आफत में थी, आम आदमी भी तो आफत में था। ऐसे में पहला सवाल, और एक एक करके हम 6-7 चीजें उठाएंगे। आम आदमी सैलरीड क्लास, खासकर जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, वो ये उम्मीद लगा रहा था कि मेरी तनख्वाहें भी घट गई, बहुतों की नौकरी चली गई, कि मेरी जेब में कुछ पैसा आएगा, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, कोई राहत नहीं। आम आदमी परेशान है कि नहीं है? रिस्पॉन्स चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उठाने हैं। शरद कोहली वित्त मंत्री का ये कहना 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाए, तो यही राहत मान लो कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। आम आदमी के परिपेक्ष में देखें, और 97% लोग कहते हैं आमदनी हमारी घटी है, यहां पर सरकार अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो गई क्या? मुझे लग रहा है सरकार ने पिछले 2-3 साल से, हम देख रहे हैं संदीप कि ये इसी साल नहीं, आप पिछले बजट को देखें, उससे पिछले बजट को देखें, कोई टैक्स पेयर्स को राहत, मुझे लग रहा है सरकार ने, जैसे टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो कि बहुत सीमित है, और मैं रेडियो पे एड सुन रहा था, देश का हर करदाता है देश का निर्माता,
और सिवाय उसको धन्यवाद के, धन्यवाद जरूर किया, दैट आई अप्लॉड द टैक्स पेयर्स। मुझे लग रहा है केवल धन्यवाद नहीं, ऐसी परिस्थितियों में, हम पिछले दो साल पहले का छोड़ देते हैं, पर ऐसी परिस्थितियों में टैक्स पेयर को बिल्कुल उम्मीद थी आप जो मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं 25,000 पर है, बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में चाहे जा भी नहीं रहे, दरअसल फीस तो आप उतनी दे रहे हैं और आपका और खर्च बढ़ गया, इन चीजों में तो एग्जेम्पशन दी जा सकती थी, बिल्कुल उम्मीद। वही अगले क्लिप में अंजना ओम कश्यप सरकार के और इस बजट के फायदे बताती नजर आई। जीडीपी ग्रोथ, ये देखिए मोटे तौर पर अगर हमारे दर्शक समझे तो ये वो चुनौती है 2015 के बाद से, जो हमने एक बढ़ोतरी देखी थी 2016 में, फिर देखिए 16-17 में क्या रहा, 17-18 में क्या रहा, 18-19-20-21 ये जो गिरावट थी, ये जो कोरोना की मार और लॉकडाउन की वजह से जिन परेशानियों का सामना पूरे मुल्क ने किया, उसमें ये फिगर्स अगर हम आपको करीब से दिखाएं तो ये -7.3, हालांकि उसके बाद सुधार हुआ और हम 9.2 जो कि 21-22 का है। आरबीआई का 9.5% का अनुमान, आर्थिक सर्वेक्षण में 8.5% का अनुमान, जल्दी से दो। जब अंजना इस बजट की वाह वाही कर रही थी तो कैसे सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी और इस बजट की पोल खोली। सवाल पूछो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का जो बात है वो तो हम पिछले 7 साल से सुन रहे हैं, क्यों नहीं कायापलट हुई इंडियन इकोनॉमी की, क्यों इंडियन इकोनॉमी बद से बदतर होती चली जा रही है। और एक बात पते की ये है कि कोविड के कारण तो नहीं हो रहा है, हमारी तो इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2 से 4.1% हो गई थी 2016 में जब हमने डिमोनेटाइजेशन किया था। सच तो ये है अंजना जी कि हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा जो है वो उपभोग है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन को बढ़ाने में इस बजट का क्या लेना देना है, क्या करेगा कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए बजट, मुझे एक चीज कोई पॉइंट आउट कर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो नौकरियां नहीं बनेंगी। आज वित्त मंत्री ने बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने सिर्फ एक सच बोला इस बजट में, जब उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर लीड करता है ग्रोथ को, तो वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एक ही बात बता दें कि आपके 7.5 साल के कार्यकाल में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो प्राइवेट सेक्टर का निवेश होता है, वो लगातार क्यों घटता चला जा रहा है, 30% से कम क्यों है, इसका जवाब दे दें। और आप ही के चैनल पर मैंने वर्ड क्लाउड देखा था, सोचा आपके लोगों के साथ शेयर कर लूं। वित्त मंत्री ने 46 बार टैक्स बोला, उन्होंने कितनी बार डेवलपमेंट और ऑनलाइन और डिजिटल क्या क्या बोला, लेकिन उन्होंने पुअर, गरीब शब्द अपनी पूरी स्पीच 1 घंटे 30 मिनट की स्पीच में मात्र 2 बार बोला। इस समय गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये दिखाता है कि कितनी पूंजीवादी सरकार है ये, जिसको ये भी टो नहीं रही कि गरीब की बात तो कर ले। 46 बार टैक्स की बात हो गई, 29 बार डेवलपमेंट और ऑनलाइन और डिजिटल की बात हो गई, गरीब की बात 2 बार, यही फलसफा है इस बजट का। अगले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस बजट को एक मीठा झूठ बताया। वो क्या क्या गम है वो बताता हूँ। वो 14 साल के सबसे बड़े इन्फ्लेशन पे, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 12 साल के उच्चतम स्तर पे है, ये कह रहे हैं सब बम्बम है। रुपया डॉलर के मुकाबले एशिया की वर्स्ट करेंसी साबित हुई, ये कह रहे हैं सब ठीक है। 4,23,00,000 युवा 29 साल से कम रोजगार तलाश रहे हैं CMIE के आंकड़ों के अनुसार, ये कह रहे हैं सब ठीक है। सरकार की पब्लिक स्पेंडिंग मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में बजट का 54% हुई, ये कह रहा है सब ठीक है। मेरे भाई जफर इस्लाम कह रहे हैं सब ठीक है। और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पे जो कर्ज था वो पिछले 7 सालों में दुगना हो गया, 2014 पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर 44,000 रुपए कर्ज था, आज 94,000 हो गया, ये कह रहे हैं सब ठीक है। और अंत में हम देखेंगे हमारे टॉप के चाटुकार सुधीर चौधरी कैसे झूठे DNA के माध्यम से आप सबको संतुष्ट कर देंगे कि ये बजट तो सीधा आकाश से उतर कर ताई की झोली में आ गिरा। पहली बात, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, यानी भविष्य का बजट है, भविष्य में भारत की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला ऐसा बही खाता जिसमें सारी एंट्रीज दर्ज है। इसमें अगले 25 वर्षों की यानी वर्ष 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तय की गई है, जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, और इसीलिए इसे अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। इसमें सड़क, रेल, हाईवे, सिंचाई परियोजनाएं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को
ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने का ऐलान हुआ है और भारत को दुनिया के बाजार में एक खरीदार की बजाय एक निर्माता के रूप में पेश करने के लिए एक ऐसा रोडमैप बनाया गया है जिसका बहुत लंबा दूरगामी असर होगा। आप इन घोषणाओं को अर्थव्यवस्था की वैक्सीन का बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक होने के साथ ये भारत को डिजिटल दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर बनाने वाला बजट है। इसमें डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है और यह भी घोषणा की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इस साल भारत की नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो अब आप RBI से भी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर खरीद सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए कई बड़े ऐलान हुए हैं और अब बैंकों को भी डिजिटल माध्यम से भारतीय डाक के पोस्ट ऑफिस से लिंक कर दिया जाएगा। ये एक नई बात होगी। बैंक और जो आपके डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ये अब आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तीसरी बात, ये भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होता था, लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बल्कि इसके विस्तार के लिए प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विदेशी पूंजी निवेश को केंद्र में रखा गया है। चौथी बात, इस बजट में टैक्स को लेकर कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमारे देश के मिडिल क्लास को कुछ निराशा जरूर हुई होगी। हालांकि यहां आपको यह समझना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से संघर्ष कर रही है और इस दौरान काफी पैसा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खर्च हुआ है और इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो मिडिल क्लास है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है क्या उसमें कोई छूट दी गई है। तो बता दें कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये वैसा ही है जैसा पहले था। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।